सुहेल जी भाई, कुछ पता चला? अरे भाई जी, साले एंथनी ने ही पुलिस को फोन किया था। और रिसीव किसने किया था? मैंने। बचाओ, 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 हमारे साथ गद्दारी करने वालों का यही अंजाम होता है। क्या है? सॉरी मिस्टर सिंघाल, इस बार नाम स्टॉप करना इम्पॉसिबल। क्यों? चारों तरफ पुलिस है। पुलिस माल का प्रोटेक्शन करने के लिए, उसे रोकने के लिए नहीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। इनसे मिलो। ये है मिस्टर गौर, पुलिस कमिश्नर, और मेरे दोस्त। सिर्फ दोस्त और कुछ? सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो हमारे होने वाले समधी भी हो। फिक्र मत करो, नेहा की शादी तुम्हारे बेटे संजय के साथ ही होगी। हम दुनिया के साथ किया हुआ कोई भी वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन ये वादा तो खुद हमने अपने आप से किया है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। नमस्ते। तुम नेहा हो? जी माँ जी। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जी मैं कहती हूँ बाहर जाओ। नेहा, बहू घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए उसका स्वागत करना पड़ता है, उसकी पूजा करनी पड़ती है। ये कंगन नहीं, एक वादा है जिसे तोड़ा नहीं जाता। अरे 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 माँ, ये क्या कर रही हो तुम? उसे कंगन पहना रही हो? उसका पता तो पूछ लो, कहाँ रहती है, क्या करती है, किसकी बेटी है, पूछ तो लो उसे। अरे मुझे कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, आसी मेरी बहू है। माँ एक बात बताओगी, आपको कैसे पता चला कि ये नेहा है? मैं हर रोज तेरी आंखों में इसे देखती जो थी। माँ। अरे जाओ तुम लोग। कहाँ? अरे ये खुशियां बाहर जाके बांटो सबके साथ। जय और नेहा की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। शिमला में तो मेरे प्यार ने तुम्हें जिता दिया था, लेकिन आज माँ की ममता ने, हाँ सच, जिसे मैंने जिंदगी में पहली बार आज महसूस किया है। डैडी। डैडी? अंकल, यही वो गुंडा है, देखिए कैसे बदतमीजी कर रहा है नेहा के साथ। भाई जी जरा संभाल के, पब्लिक बहुत है, अपनी इज्जत का सवाल है। डैडी। डैडी ये है जय। नमस्ते। जानता हूँ। आप इन्हें जानते हैं? हाँ, सब कुछ। 3-4 बार तुम्हारी इसके साथ तकरार हुई, अपनी दुश्मनी में तुमने इसे मार डालना चाहा, लेकिन खुद मौत के मुंह में फंस गई। इसने तुम्हें मरने से बचाया और तुम खुद इस पर मर बैठी। Am I right? डैडी। ठीक है। तुम इसी शहर के रहने वाले हो ना? जी। तब तो हमारे बारे में जानते ही होगे। जी आपका नाम शहर के नामी लोगों में गिना जाता है। और आप नेहा के पिताजी हैं। और आप नेहा से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और नेहा की खुशी के लिए हम उसकी शादी तुम जैसे आवारा लड़के के साथ कर देंगे, यही ना? डैडी, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई है, इसलिए शुक्रिया के तौर पर हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी इनाम में देते हैं। अगर तुम होशियार हो, समझदार हो और अपनी जान से प्यार करते हो, तो नेहा को इस तरह से भूल जाओ जैसे लोग बुरे सपने को भूल जाते हैं। इससे ज्यादा हम तुम्हें और कुछ समझाना नहीं चाहते।
चलो नेहा। मिस्टर सिंघाल, एक मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जो आप मुझे नहीं समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया हूं। जब मैं समझाना चाहता हूं वो आप अच्छी तरह समझ ले। मैं नेहा से प्यार करता हूं और नेहा मुझसे। हमारी मोहब्बत को मेरी मां का आशीर्वाद मिल गया है और मैं अपनी मां को भगवान की तरह पूछता हूं। उनका आशीर्वाद टूटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। खामोश। हर मुश्किल को मुमकिन बनाना सिंघाल अच्छी तरह से जानता है। आप अपने आप को भगवान क्यों समझते हैं? आप अकलमंद हैं, समझदार हैं। एक काम कीजिए, आप मुझे एक अच्छी सी तारीख मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी मां को आपके पास शगुन के साथ भेज दूं। तारीख हम तुम्हें जरूर बताएंगे लेकिन वो शगुन की तारीख नहीं होगी, तुम्हारी मौत की तारीख होगी और वो तारीख आज की तारीख है। डैडी, अगर जय को कुछ हो गया तो आप अपनी बेटी को जिंदा नहीं देखेंगे? हम ऐसी बेटी को देखना नहीं चाहते जो अपने बाप की इज्जत एक गुंडे के हाथों बेच डाले। ये क्या कर रहे हैं भाई जी, पागल हो गए हो क्या?